दोस्तों, अगर आपने हाल ही में यहाँ पे ग्रेजुएशन पास किए या फिर 12th क्लास पास करी है तो ये आपके लिए अच्छा मौका यहाँ पे निकल के आया है। सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2023 ये जो गांव में कस्बों में प्राइमरी स्कूल्स होती है वहाँ पे टीचर बनने का बहुत ही सुनहरा मौका है। प्राइमरी टीचर भर्ती 2023 आवेदन यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं इसके। इसके अलावा जो लिंक है वो भी नीचे एक्टिवेट हो चुका है, नीचे आप देख सकते हो स्क्रीन पर। इसके अलावा 15,800 पद इसमें रखे गए हैं और कुछ वैकेंसी ऐसी है जहाँ पर आपका एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाया जाएगा, जिनके यहाँ पर फॉर्म आपको लास्ट वीक में देखने को मिलेंगे। जो वैकेंसी ये निकली हुई है ये ऑल ओवर इंडिया है, महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे ये वैकेंसी दे रखी है। तो शुरू से लेकर एंड तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा आपको कैसे आवेदन करना है और कौन सी वैकेंसी के लिए आप अवेलेबल हो, कौन सी के लिए नहीं हो। तो दोस्तों, अभी बात करते हैं यहाँ पे डिटेल में। समग्र शिक्षा प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2023 यानी कि प्राइमरी टीचर्स की ये वैकेंसी है और इस वैकेंसी में अगर मैं डिटेल में बात करूँ यहाँ पे इसमें टीचर के पद है प्राइमरी टीचर के जो कि 7500 पद है, जनरल में ओबीसी में है 4100, 2600 एससी के 1600, ईडब्ल्यूएस के, और टोटल यहाँ पे 15,800 पद यहाँ पे वैकेंट है। और इस वैकेंसी में जो ये वैकेंसी निकली हुई है इसकी लास्ट डेट की अगर मैं बात करूँ डेट्स की, महत्वपूर्ण तिथियों की, तो ये आप देख सकते हो आवेदन शुरू करने की तिथि है 28/3/2023। तो एक तरीके से 28 तारीख से ये फॉर्म अवेलेबल हो जाएंगे, लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि 30/4/2023 यानी कि 30 अप्रैल तक ये फॉर्म अवेलेबल रहेंगे शाम को 6 बजे तक। और इसके अलावा यहाँ पे ये आप देख सकते हो शुल्क जमा कराने की यानी कि जो भी पेमेंट होता है, फीस पेमेंट होता है, वो फी पेमेंट जमा कराने की लास्ट तिथि 30 तारीख है और 21/6/2023 यहाँ पे टेंटेटिव दिखा रहा है एग्जाम डेट। तो यहाँ पे इस वैकेंसी का एग्जाम होगा। इसके अलावा यहाँ पे नीचे में और फर्दर इन्फॉर्मेशन दूँ तो आपको ये देख सकते हो फीस जो लगेगी इसकी 500-200 रुपये के साथ में आप अप्लाई कर सकते हो, आवेदन कर सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पे आयु सीमा यानी कि 1 जनवरी को आपकी आयु न्यूनतम 21 साल यानी कि 21 साल हो चुकी हो और 37 वर्ष से ऊपर ना हो अधिकतम, ये यहाँ पे ध्यान रखना। इसके अलावा यहाँ पे इसमें अलग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे यही दे रखी है कि यहाँ पे इस पद का जो नाम है वो जूनियर बेसिक प्राथमिक शिक्षक है। 15,800 पदों पे ये जो वैकेंसी निकली है इसमें न्यूनतम 50% अंक किसी भी वर्ग या किसी भी स्ट्रीम से स्नातक की डिग्री आपकी होनी चाहिए या फिर आपके पास में बीएड की डिग्री हो और या फिर सीटीईटी पेपर फर्स्ट आपका उत्तीर्ण हो, ये इसमें इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। साथ ही साथ नीचे लिंक दे रखा है, वहाँ पर भी जाके आप इसके बारे में पूरी डिटेल्स चेक कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।